नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे 8 YouTube चैनल के बारे में, जिसे कि भारत सरकार ने जो है ब्लॉक कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा अपडेट साझा किया गया, जिसमें मंत्रालय ने यह बताया है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों को लेकर गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मिनिस्ट्री की तरफ से यह भी बताया गया कि जितने चैनल को बैन किया गया है, उसमें से 7 चैनल भारत से हैं, तो वही 1 चैनल पाकिस्तान का है, जिस पर आरोप लगाया गया है, यानी कि उसे बंद किया गया है। आपको बता दें कि इन चैनल को भारत सरकार की तरफ से IT रूल 2021 के तहत ब्लॉक किया गया है। सरकार की तरफ से जिन चैनलों को बैन लगाया गया है, उसमें लोकमत टीवी इंडिया, UNV टीवी इंडिया, AM रिजवी इंडिया, गौरवशाली पवन मिथिलांचल इंडिया, C Top 5 TH इंडिया, सरकारी अपडेट इंडिया, सब कुछ देखो इंडिया, न्यूज की दुनिया पाकिस्तान, इन चैनलों को लेकर मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि YouTube चैनल के द्वारा जो कंटेंट प्रस्तुत किया जा रहा था, उससे भारत की अखंडता को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। सरकार की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि जो खबरें चलाई जा रही थी, उसमें यह कहा गया था कि धार्मिक संरचनाओं को गिराने का आदेश दिया गया है। धार्मिक त्यौहारों के उत्सव, भारत में धार्मिक युद्ध की घोषणा आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इस तरह से हेडिंग से समाज में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने और देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने जैसे तथ्य मिले हैं। आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल महीने में 16 YouTube चैनलों को ब्लॉक किया गया था, जिसमें कि पाकिस्तान के 6 समाचार चैनल और भारत के 10 समाचार चैनल थे। सरकार की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि ये चैनल फेक न्यूज फैला रहे थे। दिसंबर 2021 से अब तक IT नियम के अनुसार 78 YouTube चैनलों को ब्लॉक किया गया है। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं YouTube चैनलों में, जिस पर कि हेडिंग क्या क्या रहा और उसको जो है 21,000 पे बैन किया गया। लोकमत टीवी, इसमें जो खबर चल रही थी उसमें हेडिंग लिखा हुआ था, ईद मनाने पर मोदी ने लगाई रोक, बड़ा संकट, नमाज अजान पर भी खतरा। वहीं एक दूसरा हेडिंग यह भी था कि भारत में छिड़ा धर्मयुद्ध, मक्का मदीना पर हमला नहीं बचेगा देश। UNV टीवी की तरफ से जो खबरें चल रही थी, उसमें लिखा हुआ था, मोदी पर देशद्रोह का केस, कैबिनेट खतरे में, PM आवास घेराव, मोदी शाह अंडरग्राउंड। AM रिजवी की तरफ से जो खबर चल रही थी, उसके तरफ लिखा गया था कि अजमेर दरगाह में हलचल, उत्तरी सेना, मोदी की कुर्सी खतरे में, SC से झटका। इसी चैनल में एक और हेडिंग लगा हुआ था, जिसमें लिखा था, मंदिर पर लहराया इस्लामी झंडा, मुसलमानों ने मंदिर पर लहराया इस्लामी झंडा। एक और है कि अजमेर शरीफ दरगाह को बचाना हुआ मुश्किल, भगवाधारियों का दरगाह पर हमला। गौरवशाली पवन मिथिलांचल की तरफ से जो हेडिंग चल रहा था, उसमें लिखा हुआ था, इजिप्ट में हजारों तेजस की एंट्री, दुनिया हैरान, भारत और इजिप्ट का तुर्की पे हमला शुरू, जिसका डर था वही हुआ युद्ध शुरू। एक दूसरा हेडिंग लिखा हुआ था कि भारत के 18 जवान शहीद, साथ ही 81 लोग मरे, मणिपुर में हड़कंप, चीन ने अपनी मौत का बुलावा दिया। C Top 5 TH की तरफ से जो खबरें लिखी गई थी, उसमें था कि मोदी का मुसलमानों के लिए भयंकर पैगाम, मथुरा की मस्जिद को तोड़ा जाएगा, मोदी शाह का अजमेर दरगाह पर ऐलान, हटाई जाएगी ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह। इसके बाद सरकारी अपडेट में जो लिखा गया था कि भारत में पहुंचा भयंकर तूफान, भारी तबाही, 35 जिलों में चेतावनी। सब कुछ देखो में जो बात लिखी गई थी, उसमें था कि देश में भयंकर चक्का जाम, डरे मोदी, उतरी फौज, अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ पास हुआ प्रस्ताव। न्यूज की दुनिया, जो कि पाकिस्तान से है, उसमें लिखा हुआ था कि 100 करोड़ हिंदू 40 करोड़ मुसलमानों को मार देंगे, और मुसलमानों को पाकिस्तान या बांग्लादेश जाना चाहिए, अन्यथा उनका नरसंहार किया जाएगा। एक दूसरा हेडिंग था, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि भारत की कुतुब मीनार मस्जिद को गिरा दिया गया है। तो इस तरह के कई ऐसे फुटेज थे, जिसके आधार पर जो है भारत सरकार ने इन न्यूज चैनलों को, जो कि यूट्यूब पर चलते हैं, उनको जो है बैन कर दिया है। उन्हें भारत की अखंडता और स्वतंत्रता को लेकर जो है इन पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, इन्हें YouTube से हटा दिया गया है। तो ये थे देश से जुड़ी हुई खबरें, बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।